तो 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है ऐसे में नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है बीजेपी में टिकट कटने की खबर के बीच पार्टी से नाराज चल रहे सांसद श्यामा चरण गुप्ता साइकिल पर सवार हो गए इतना ही नहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्यामा चरण गुप्ता को उनको बांदा जनपद से टिकट देकर गठबंधन का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया इस मौके पर श्यामा चरण गुप्ता ने कहा कि वो पुराने समाजवादी हैं और उनकी अब घर वापसी हुई है राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों का पाप धोते धोते तो अब गंगा इतनी मैली हो गई कितना पाप धो पापियों का पाप धोए उसी तरह से भाजपा इतनी अच्छी पार्टी जिसको मैं अभी भी बहुत अच्छी पार्टी कहता हूँ अपने आप खराब कर लिया अपने आप को ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में ले लिया ऐसे ऐसे लोगों को लेते चले जा रहे हैं जो भविष्य में और खराब कर देंगे पार्टी को आप देखते जाओ देखते जाओ गठबंधन बहुत कमाल दिखाएगा काफ़ी लोगों को जानकारी हुई है और काफ़ी लोगों, लोगों को जानकारी दी गई कि आधे से ज़्यादा पुराने लोगों के टिकट कटने जा रहे हैं उनमें मेरा भी नाम था तो मैंने उसको बुरा नहीं माना ही। अपनी चीज़ आप किसी को नहीं देते ना दें जिसको देना उसको दें लेकिन हमें अगर चुनाव लड़ना है हमारी भावना है राजनीति में रहने की हमारी भावना है सेवा करने की हमारी भावना है देश के वर्तमान धारा में साथ चलने की तो फिर अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जहां से मिलेगा फिर उसकी तलाश आदमी कर लेता है उसकी बात करता है जब मुझे मेरे टिकट में संदेह पैदा हो गया तो मैंने फिर पुराने घर में सोचा कि ये पुराना ही घर सही पुराना भी घर ख़राब नहीं था पुराना भी घर में अच्छा लगता था और अच्छा नहीं लगता होता तो 16 साल तक वहाँ नहीं रहता लगातार 16 साल तक मैं समाजवादी पार्टी में था और वहाँ से भी मैं सांसद बन चुका हूँ बांदा से ही तो आगामी लोकसभा में मुझको समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में बांदा से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विचार बनाया जो मुझे कम्युनिकेट किया मुझे बुलाया और मुझे बता दिया गौरतलब है कि कुछ दिन पहले सांसद श्यामा चरण गुप्ता के बेटे विदुप अग्रहरी ने बीजेपी से नाराजगी जाहिर की थी और किसी भी पार्टी से टिकट न मिलने की स्थिति में प्रयागराज की इलाहाबाद सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही थी अब देखना यह होगा कि चुनाव से कुछ दिन पहले श्यामा गुप्ता का सपा का दामन पकड़ना दोनों के लिए कितना कारगर साबित होता है पंजाब केसरी टीवी के लिए प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट